वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ तांडे सर। तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन नेवी के द्वारा INCET 1 2024, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर, विज्ञप्ति क्रमांक नंबर है, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर है, एडमिट कार्ड आपको जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। अब इंडियन नेवी INCET 1 2024 का जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट कर दिया गया है, जिसमें 741 सिविलियन की पोस्ट थी और इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट मुझे अभी जब इंडियन नेवी INCET 1 2024 का अभी उसकी आंसर की जब जारी की गई थी, तो उसका वीडियो जब हमने बनाया था, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर 1 2024 का जो है वो इसकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी। तो बहुत जल्दी ये जारी हो चुकी है डियर स्टूडेंट। चलिए इसकी पूरी डिटेल की बात करते हैं। तो डिटेल में इंडियन नेवी के द्वारा INCET 1 2024 में इसकी जो एग्ज़ाम डेट है आउट हो चुकी है, और इस पर 741 सिविलियन पोस्ट है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2024 में इंडियन नेवी की ओर से 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा और BSc के लिए सिविलियन की रिक्रूटमेंट्स निकाली गई थी, और जिसका ऑनलाइन फॉर्म 20 जुलाई 2024 से भरना शुरू हुआ था। इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म 2 अगस्त 2024 तक भराया गया था, और इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट के लिए चार्जमैन, ड्राफ्ट्समैन, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, ट्रेड्समैन, मेट, कुक, MTS, ETC पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। और इंडियन नेवी सिविलियंस INCET 1 2024 की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। इंडियन नेवी के द्वारा INCET 1 2024 इसकी न्यू एग्ज़ाम की जो लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2024 को होने वाली है, मतलब नवंबर की लास्ट वीक में इसकी एग्ज़ाम की डेट जारी कर दी गई है। और इंडियन नेवी INCET 1 2024 का एडमिट कार्ड बहुत जल्दी जारी कर दिया गया है। तो डियर कैंडिडेट, अब इसमें जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपकी प्रॉपर टाइम पर हो जाएगी। रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेवी। पोस्ट देखेंगे तो वेरियस पोस्ट B और C सिविलियन पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख लीजिए, INCET 1 2024 है। वैकेंसीज जो है 741 पोस्ट है टोटल। पे स्केल और सैलरी वेरियस पोस्ट के आधार पर अलग अलग सैलरी है। जॉब का लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। कैटेगरी देखेंगे तो इंडियन नेवी सिविलियंस रिक्रूटमेंट 2024 है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करना है तो joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ी थोड़ी हम डिटेल की बात करें इसमें। तो इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2024, इसके एग्ज़ाम डेट्स, स्टार्टिंग डेट थी 20 जुलाई 2024 और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 2 अगस्त 2024, और एग्ज़ाम डेट पहले सितंबर थी, लेकिन अब नवंबर की लास्ट वीक में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। इंडियन नेवी सिविलियंस रिक्रूटमेंट 2024 में इसके एग्ज़ाम फीस लगभग जनरल OBC EWS के लिए 295 रुपये रखी गई थी। SST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपये था। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही था इसका, और जिस कैंडिडेट के पास अब इंडियन नेवी सिविलियंस की जो वैकेंसीज है वो अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई थी, तो इसमें चार्जमैन अमुनेशन इसमें वन पोस्ट थी, चार्जमैन फैक्ट्री की 10 पोस्ट, चार्जमैन मशीन की मैकेनिक की इसमें 18 पोस्ट थी, साइंटिफिक असिस्टेंट की 4 पोस्ट थी, ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन की 2 पोस्ट थी, और सबसे ज़्यादा पोस्ट है 444 पोस्ट मैक्सिमम फायरमैन की पोस्ट है। बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे फायरमैन की 444 पोस्ट है, और फायर इंजन ड्राइवर की 58 पोस्ट है, ट्रेड्समैन मेट की 161 पोस्ट है, ये भी बल्क पावर में है, और पेस्ट कंट्रोल वर्कर की 18 पोस्ट है, कुक की देखेंगे तो 9 पोस्ट है, और MTS की 16 पोस्ट है। ऐसा पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग बल्क पावर में वैकेंसी निकाली गई है, और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है IT पास, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, BSc पास कैंडिडेट के लिए। चलिए क्वालिफिकेशन क्या क्या था थोड़ा सा हम ये भी बता दें आपको। तो चार्जमैन के लिए तो BSc डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से है, और चार्जमैन के लिए इसमें BSc डिप्लोमा EE CE ME EC पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए, BSc कंप्लीट होना चाहिए इससे रिलेटेड। चार्जमैन मैकेनिक के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, EC से 2 साल का एक्सपीरियंस भी बोला गया था इसमें, और साइंटिफिक असिस्टेंट में BSc प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन में 10th पास,
सर्टिफिकेट रिलेटेड फील्ड के द्वारा, आपके पास फील्ड का सर्टिफिकेट है तो आपने फॉर्म जरूर भरा होगा। फायरमैन में भी वही है, बेसिक 12th प्लस बेसिक फायर इंजीनियरिंग का कोर्स आपके पास होना चाहिए। फायर इंजीनियर ड्राइवर के साथ भी वही है, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए 12th पास के साथ में। और ट्रेड्समैन मेट्स में भी एज अ सेम है, 10th पास और ITI रिलेवेंट ITI से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो पीस्ट कंट्रोल वर्कर है वो 10th पास वाले होंगे। कुक के लिए तो सिंपल है, 10th पास प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। MTS मिनिस्ट्रियल के लिए 10th पास बस मांगा गया था। तो इस तरीके से बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम की वेट कर रहे थे बहुत से कैंडिडेट। अभी 1 CET 1 2023 का रिजल्ट अभी जारी किया गया, आंसर की जारी की गई है। बहुत से कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ है, मुझे कमेंट भी आए हैं। बहुत से कैंडिडेट का अच्छे मार्क्स हैं, किसी के 80 किसी के 90 मार्क्स हैं। तो उम्मीद बनती है, 120 का नंबर का पेपर था और उसमें चांसेस बनते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। यदि कोई इन्फॉर्मेशन हमें आएगी तो हम समय समय पर आपको साझा जरूर करेंगे। नीमा पोस्ट आपको बता दिए, चार्जमैन मैकेनिक और फायरमैन एंड इंजन ड्राइवर एंड ऑल ओवर द पोस्ट में एज लिमिट का क्राइटेरिया 18 से 30, 18 से 27 और 18 से 25 साल है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट ने फॉर्म जरूर भरा है, मुझे पता है। हाँ, जो एग्ज़ाम की जो प्रोसीजर है, किस टाइप से सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, ये थोड़ा सा देख लें क्योंकि ये जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर इंडियन नेवी सिविलियंस रिक्रूटमेंट 2024 इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेजेस। पहला स्टेज है, उसकी स्टेज है रिटन टेस्ट। दूसरा है फिजिकल टेस्ट, जिसमें फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर से फिजिकल टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बस इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। एग्ज़ाम जो कराई जाएगी, तो एग्ज़ाम में सब्जेक्ट देख लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड देखेंगे तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। ठीक है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। और हाउ टू अप्लाई में तो बहुत से रिक्रूटमेंट, जो आपने फॉर्म तो भर दिया, बहुत से कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया, अब तो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और इसकी एग्ज़ाम डेट जो है, ये एग्ज़ाम डेट महत्वपूर्ण है। इंडियन नेवी INCET 1 2024 का इंडियन नेवी द्वारा न्यू एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। इंडियन नेवी INCET 1 2024, जिसकी एग्ज़ाम सितंबर 2024 में होने वाला था, जिसे कैंसिल कर दिया गया था, और आज इंडियन नेवी INCET 2024 की एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। अब इंडियन नेवी INCET 1 2024 की एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट वीक में होगी, ये नोटिस जारी किया गया है, देख लीजिए। यहाँ प्री उम्मीदवार INCET 2024 को 24 नवंबर के अंतिम सप्ताह में अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया है, इसके लिए नए प्रवेश पत्र शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। ये नोटिस है जिसके बेस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, ये ऑफिशियल जो है इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है, इसके आधार पर हमने इसका वीडियो तैयार किया है। तो डियर कैंडिडेट, इंडियन नेवी के द्वारा INCET 1 2024 एडमिट कार्ड की CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड आएंगे वैसे ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इंडियन नेवी INCET 1 2024 का एडमिट कार्ड के लिए ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, और इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।